हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम होमो एरोमेटिसिटी और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज कैसे हमें लिखना चाहिए उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे आपको एक अच्छी नोट भी मिल सकती है इन 1959

एक नए क्लास के कंपाउंड का डिस्कवर किया जिसको होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं जनरली द कार्बन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड आर एस पी टू हाइब्रिडाइज दज देव ए ट्राइकोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड कंटिन्यूस पी ऑर्बिटल ओअर जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक सिस्टम में हर एक कार्बन एस पी टू हाइब्रिड होता है जिसमें कार्बन की दो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेती है जबकि एक पी ऑर्बिटल फ्री होती है और कार्बन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक सिस्टम का हर एक कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज होता है और हर एक कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल होती है पी ऑर्बिटल के ओलेप से कंटिन्यूस पी लेपिंग होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है हाउ एवर इन होमो एरोमेटिक कंपाउंड देर इज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैन बी फॉर्म बाय पासिंग वन और मोर पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स विच डिस

एक या एक से ज़्यादा sp3 थ्री हाइब्रिड कार्बन एटम होते हैं जो p ऑर्बिटल के कंटिन्यूस ओवरलैपिंग को डिस्टर्ब करते हैं यानी कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कंटिन्यूस नहीं होता यानी कि डिसकन्टीन्यूअस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बावजूद ये कंपाउंड एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं इन शॉर्ट दीज कंपाउंड फॉर्म स्टेबिलाईज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाई पासिंग दैट वन और मोर एस पी थ्री एटम इन शॉर्ट एक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा एस पी थ्री एटम पास होने के बावजूद वो स्टेबिलाइड साइक्लिक कॉन्जुकेटेड सिस्टम को फॉर्म करते हैं यानी कि सिस्टम स्टेबल होती है एस वी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आर फोर्स टू लाई ऑलमोस्ट वर्टिकली एबोव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन कंपेयर टू ट्रू एरोमेटिक सिस्टम द नेट स्टेबिलाइजेशन हीयर में बी लो डू टू पोअर ओवरलेप ऑफ ऑर्बिटल्स साइक्लिक सिस्टम में या होमो एरोमेटिक कंपाउंड में एस वी थ्री हाइब्रिड कार्बन आइटम वर्टिकली एबोव द प्लेन होता है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन होता है वो प्लेन में नहीं होता कंपेर टू ट्रू एरोमेटिक सिस्टम द नेटस्टेबिलाईजेशन ऑफ हो होमो एरोमेटिक कम्पाउंड लो ड्यू टू पोअर ओवरलेप ऑफ ऑर्बिटल ट्री एरोटिक कंपाउंड सिस्टम की तरह यहाँ होमो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलाइजेशन कम होती है ने स्टेबिलाइजेशन कम होती है क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल का ओवरलेपिंग कंटिन्यूस नहीं है यानी कि पोअर पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से होमो एरोमेटिक कंपाउंड ट्री एरोमेटिक के कंपाउंड के कंपेयर में लेस होते हैं ऑल डिस्कवर्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड आर आयंस होमो एरोमेटिक आयंस ऑफ टू एंड टेन इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नॉन सभी डिस्कवर्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड आयोनिक फॉर्म में है यानी कि वो सभी आयंस है होमो एरोमेटिक आयंस और टू एंड टेन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो एंड दस इलेक्ट्रॉन वाले होमो एरोमेटिक आयंस ज्यादा प्रचलित है फॉर एग्जाम्पल वेन साइक्लोक्टा टेट्राइन वन इज डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड एस टी एसोफोर और प्रोटोन एड्स to one of the double bond to form the cyclooctatrinyl cation 2 homotropilium ion in this species an aromatic sextet is spread over the seven carbon the eighth carbon is sp3 carbon and so cannot take part in aromaticity साइक्लोऑक्टा-टेट्राइन जिसमें चक्रम में एट कार्बन है कॉन्जुगेट सिस्टम है अल्टरनेट पाई और सिग्मा बॉन्ड है जिसमें एट कार्बन है और एट पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि साइक्लिक सिस्टम है फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन है अगर साइक्लो जो प्लेनर होता तो वो एंटी होता बट साइक्लोक्टा इज नॉन प्लेनर ड्यू टू टब सेव यानी कि साइक्लो नॉन एरोमेटिक है साइक्लो टेट्राइन को कॉन्सेंट्रेट एसटो एसओ फॉर में डिजोल्व करने से उसका प्रोटोनेशन होता है और चार डबल बॉन्ड में से किसी एक डबल बॉन्ड में प्रोटॉन ऐड होता है डबल बॉन्ड में प्रोटॉन ऐड होने से वो इलेक्ट्रॉन का यूज करके किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाता है तब उसके नज़दीक वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उससे कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होता है यानी कि साइक्लो का प्रोटोनेशन होने से साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल कैटाइन टू फॉर्म होता है जिसमें तीन बॉन्ड है और टोटल एट कार्बन में से एक कार्बन एस पी थ्री हाइब्रिड है बाकी सेवन कार्बन एस पी टू हाइब्रिड है एस पी थ्री हाइब्रिड एट कार्बन आउट ऑफ प्लेन है जिसपे दो कार्बन जुड़े हैं जबकि वन टू सेवन कार्बन एस पी टू हाइब्रिड है वन टू सेवन कार्बन के पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है जबकि एस पी थ्री हाइब्रिड एट कार्बन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता यानी कि वो आउट ऑफ प्लेन है जिसपे दो कार्बन है यानी कि ये होमोट्रोपिलियम कैटाइन कहलाएगा क्योंकि यहाँ सात कार्बन के बीच कंटिन्यूस ओवरलैपिंग होता है और वो कैटाइन है यानी कि उसको होमोट्रोपिलियम कैटाइन भी कहते हैं द एनएमआर स्पेक्ट्रा शो द प्रेजेंस ऑफ डायाट्रोपिक रिंग करंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रम द प्रोटोन ऑन सी टू टू सी सिक्स appear at delta 8.5 ppm and the protons on C1 and C7 appear at delta 6.6. .6. The two bridge proton proton at sp3 carbon have a very different chemical shift. The inner Hb proton is found at low delta is equal to minus 0.6 एंड द आउटर एच ए प्रोटोन एट हाई डिल्टा फाइव पॉइंट टू साइक्लोक्ट्रा ट्राइनाइल कैटाइन का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो एन एम आर स्पेक्ट्रा उसमें डायाट्रॉपिक रिंग, रिंग करंट को शो करता है यानी कि डायाट्रॉपिक रिंग करंट प्रेजेंस है एन एम स्पेक्ट्रा में सी टू से सी सिक्स कार्बन का डेल्टा एट पॉइंट फाइव के आसपास सिग्नल मिलता है जबकि सी सेवन एन सी वन एन सी सेवन कार्बन पे प्रोटोन का एन एम आर सिग्नल 6.6 डेल्टा के आसपास मिलता है जबकि टू ब्रिज प्रोटॉन ऑफ एच थ्री कार्बन उसमें से इनर एच बी प्रोटोन का एन एम सिग्नल माइनस पॉइंट सिक्स डिल्टा जबकि आउटर प्रोटॉन एच ए का सिग्नल डेल्टा फाइव पॉइंट टू है यानी कि इनर प्रोटोन लोअर डिल सिग्नल दिखाता है जबकि आउटर प्रोटोन का सिग्नल हाई डेल्टा पे मिलता है यानी कि ये डायाट्रॉपिक मॉलिक्यूल है और डायट्रॉपिक डायाट्रॉपिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है द केमिकल शिप डिफरेंस फॉर एच एंड एच बी दैट एक्सपेक्टेड फॉर प्रोटोन इन इनर एंड आउटर पोजिशन इन अ डायाट्रॉपिक मॉलिक्यूल यानी कि साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल कैटायन टू एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है और ड्यू ड्यूटू ओवरलेपिंग ओ ट्रू एरोमेटिक कंपाउंड के कंपेयर में लेस स्टेबल है ए वैरायटी ऑफ अदर होमो एरोमेटिक आयन हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड ऑल आर डायाट्रोपिक सिस्टम फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटीनाइल कैटाइन इज द होमो एरोमेटिक एनालॉग ऑफ साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन साइक्लोब्यूटीनाइल कैटाइन जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन की तरह होमो एरोमेटिसिटी शो करता है थ्री एससीटोक्सी साइक्लोब्यूटीन की सुपर एसिड के साथ रिएक्शन से उसमें से साइक्लोब्यूटिनाइल कैटाइन टू का फॉर्मेशन होता है जो होमो एरोमेटिक है जिसमें टोटल चार कार्बन है जिसमें से थ्री कार्बन प्लेनर है और एस पी टी टू हाइब्रिड है जबकि एक कार्बन एस पी थ्री हाइब्रिड है जो आउट ऑफ प्लेन है यानी कि ए साइक्लो ब्यूटिनाइल कैटाइन होमो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है अदर वॉन होमो एरोमेटिक आयन सार वन थ्री बीस होमोट्रोपिलियम कैटायन जिसमें टोटल नाइन कार्बन है जिसमें से सेवन कार्बन एस पी टू हाइब्रिड है जबकि दो कार्बन एस पी थ्री हाइब्रिड है जो आउट ऑफ प्लेन है और सेवन कार्बन के बीच पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है और ये वन थ्री बीस होमो एरोमेटिक ट्रोपिलियम कैटाइन होमो शो करता है यानी कि दो एस पी थ्री हाइब्रिड कार्बन होने के बावजूद वो स्टेबल है लेकिन कंपेयर टू ट्रू एरोमेटिक कंपाउंड वो लेस स्टेबल है ट्रिस होमो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जिसमें टोटल सिक्स कार्बन है जबकि वन थ्री एंड फाइव कार्बन एस पी टू हाइब्रिड है जिसकी पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है और टू फोर एंड सिक्स एस पी थ्री हाइब्रिड कार्बन है जो आउट ऑफ प्लेन है और उसमें वन डबल बॉन है यानी कि टू पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि टोटल फोर एन प्लस टू बाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि ट्रिस होमो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन वो हो होमो एरोमेटिक है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन एरोमेटिक है और साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के कंपेयर में ट्रिस होमोसाइक्लोप्रोपीनाइल कैटाइन की स्टेबिलिटी लो होती है ड्यू टू पोअर ओवरलेपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू पासिंग ऑफ थ्री एस पी थ्री कार्बन एटम जो ऑर्बिटल के ओलेपिंग को डिसरप्ट करते हैं यानी कि कंटिन्यूस ओलेपिंग होता नहीं है